हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। झारखंड ऊर्जा विकास समिति संघ की ओर से निगम मुख्यालय धनबाद के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष नेतृत्व में विराट प्रदर्शन किया। इस दौरान लगभग 3000 कर्मी हाथों में बैनर प्ले कार्ड लिए धुरवा कुल चक्कर मैदान में जुलूस के रूप में निकले। निकलते हुए पूरे रास्ते नारेबाजी करते हुए निगम मुख्यालय पहुंचे। वहां निगम मुख्यालय में धरना चलता रहा। इस दौरान विधि व्यवस्था को सुचारू करने में धुरवा थाना काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस अवसर पर अजय राय ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत 10 वर्ष पूरा कर रहे कर्मियों की नियमित नियुक्ति हो। आने वाली नियुक्ति में आउटसोर्स में काम कर रहे कर्मियों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता तय हो। वहीं आउटसोर्स खत्म करने कर पहले की व्यवस्था लागू हो। अन्य सहित मांगों को लेकर पूरे राज्य से हजारों कामगार घेराव प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, जिसका यह प्रमाण है कि कर्मियों में निगम के प्रति काफी आक्रोश है। लोग लगातार काम करते आए हैं। पहले भी मानव दिवस कर्मियों को उम्र में छूट दी गई थी, उनके अनुभव के आधार पर उसको परसेंटेज दिया गया था। हर साल का 3-3 प्रतिशत जो है उनको अनुभव के आधार पर दिया गया था, वो लागू हो। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कर्मी हैं अपनी पूरी जवानी निगम को दे चुके हैं। वहीं पर जो हमारे आउटसोर्स में जो कर्मी जो आए हुए हैं, चाहे साल भर से काम कर रहे हों या 6 साल से काम कर रहे हों, उनको भी अनुभव और उम्र में उनको छूट मिलनी चाहिए। ये सारे डिमांड को लेकर के हम लोगों ने पूर्व में भी CMD को 3-3 ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से पहल नहीं हो पाया है। और वहीं पर एन प्रकारेन जो हाईकोर्ट का निर्देश है, उसके तहत गलत नियुक्ति जो है यहाँ पर की जा रही है, जिसका हम लोग का विरोध है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोग निगम का घेराव। तो ये घेराव सरकारी महकमे में कितना असरदार होगा, क्या लगता है? देखिए, एक बात आपको मैं बता दूँ कि जिस दिन ये कर्मी बैठ गए उस दिन पूरा राज्य ब्लैकआउट हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि पहले भी जब जब हम लोगों ने हड़ताल किया है, तब तक पूरे राज्य में अंधकार छाया है। और अगर चाहता है ये सरकार कि फिर से वही पुनरावृत्ति हो।